परिचय सभी द्रव्य आधारभूत तत्वों से बनते हैं जिनको रासायनिक एवं भौतिक गुणों के हिसाब से अलग नहीं किया जा सकता तत्व में एक तरह का परमाणु निहित होता है उदाहरण के लिए कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर हीरा और ग्रेफाइट भी बनाता है विशुद्ध 24 कैरेट सोना सिर्फ एक तरह का परमाणु होता है स्वर्ण परमाणु यानी गोल्ड एटम्स अणु यौगिक होते हैं जिसमें तत्व एक निश्चित तय अनुपात में होते हैं उदाहरणार्थ पानी ग्लूकोज एटीपी। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रासायनिक संयोजन के नियम जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम जानना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की चर्चा करना परमाणु अणु और मोल के बारे में जानना रासायनिक संयोजन का नियम रसायन विज्ञान पदार्थ और उसमें होने वाले बदलावों पर आधारित है रसायन शास्त्री विशेष रूप से इन बदलावों में दिलचस्पी लेते हैं जहां एक या इससे अधिक तत्व बदलकर अलग तरह के तत्वों में तब्दील हो जाते हैं इसमें वे पाते हैं कि इनमें रासायनिक बदलावों की वजह से ऐसा होता है जो प्रयोग के नियम पर आधारित है इनको ही रासायनिक संयोजन के नियम से जानते हैं यह नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम अथवा निश्चित अनुपात का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम के अनुसार पदार्थ का रासायनिक और सामान्य भौतिक बदलावों से न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है उदाहरण के लिए जिंक सल्फर अणुओं से प्रतिक्रिया करके जेड यानी जिंक सल्फाइड बनाता है स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं इस नियम को प्राउस्ट ने इस तरह पेश किया रासायनिक यौगिकों में तत्वों का अनुपात द्रव्यमान के द्वारा सदैव स्थिर होता है यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक आठ अनुपात है चाहे जल का स्रोत कोई भी हो इसी प्रकार यदि नौ ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव एक ग्राम हाइड्रोजन और आठ ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की इस सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार कर सकते हैं सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं परमाणु पूरी दुनिया परमाणुओं से बनी है हम उन्हें देख नहीं सकते हैं लेकिन वे होते हैं और स्थायी रूप से हम जो करते हैं उसे प्रभावित करते हैं परमाणु बहुत छोटे होते हैं वे किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी आधुनिक तकनीकों की सहायता से हम तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन ने सर्वप्रथम तत्वों के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का उपयोग किया था किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात तत्व का एक परमाणु तत्व के नाम से एक दो अक्षरों को लेकर प्रतीक बनाने का सुझाव जिलियस ने दिया था विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह प्रत्येक तत्व का एक भिन्न नाम होता है और उनके रासायनिक प्रतीक अद्वितीय होते हैं कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नामों के पहले या पहले और दूसरे अक्षर को जोड़कर बनाए गए हैं उदाहरण आर्गन यानी ए आर क्लोरीन यानी सी एल जिंक या जस्ता यानी जेड एन इत्यादि कुछ तत्वों के प्रतीक नीचे तालिका में दिए गए हैं अणु अणु किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है यह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है अणु किसी तत्व या यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं बहुत से तत्वों जैसे कि आर्गन ए आर हिलियम आदि के अणु इन तत्वों के एकमात्र परमाणु से निर्मित होते हैं ऑक्सीजन के अणु की चर्चा करें तो इसके अणु में दो परमाणु होते हैं इसलिए इन्हें दुई परमाणुक यानी O2 कहते हैं अगर सामान्य रूप से दो के स्थान पर ऑक्सीजन के तीन परमाणु एक अणु में जुड़ते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है तत्वों की परमाणुता परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुता कहते हैं आइए कुछ तत्वों की परमाणुता का अवलोकन तालिका में देखकर करें यौगिकों के अणु परमाणु किसी भी तत्व या यौगिक के आधारभूत इकाई हैं एक अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से होता है विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं उदाहरण पानी अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि क्या आप जानते हैं पदार्थ और द्रव्यमान संरक्षण की अवधारणा का व्यापक प्रयोग रसायन शास्त्र मैकेनिक्स और फ्लूड डायनेमिक्स में होता है इतिहास में देखें तो 18वीं शताब्दी के आखिर में एंटाइन लवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की खोज की इसमें रसायन विद्या में विशेष महत्वपूर्ण बदलावों को आधुनिक प्राकृतिक रसायन विज्ञान में स्थापित किया स्टील लोहे से भी अधिक कठोर होता है क्योंकि इसके परमाणु कहीं ज्यादा सख्त रविदार जाली के रूप में एक दूसरे से जकड़े होते हैं लकड़ी के जलने या अचानक उपचयन से समस्या हो सकती है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ एक निश्चित तापमान के ऊपर तीव्रता से रासायनिक प्रतिक्रिया करती है चीनी और नमक पानी में घुल जाता है क्योंकि उनके अणु यानी आयन ऐसी परिस्थिति में खुद का विघटन कर देते हैं सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं यह निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है एक कणों किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रह सकता है और अपने सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है परिचय रासायनिक सूत्र या सूत्र परमाणुओं के बारे में जानकारी को व्यक्त करने का एक ऐसा उपाय है जो एक विशिष्ट रासायनिक यौगिक को संगठित करता है रासायनिक सूत्रों का प्रयोग रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने हेतु रासायनिक समीकरणों में किया जा सकता है आयनीय यौगिकों तथा अन्य अनाणविक पदार्थों के लिए एक आनुभविक सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें अधोलिखित तत्वों के अनुपात को इंगित करती है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभिन्न यौगिकों के आयनों को समझना आणविक द्रव्यमान की गणना करना तथा विभिन्न यौगिकों के आणविक सूत्रे लिखना आयन किसी आवेशित कण को आयन कहा जाता है यह धनात्मक या ऋणात्मक रूप से आवेशित हो सकता है ऋणायन ऋण रिन आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं धनायन धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं उदाहरण सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसके संघटक कण धनावेशित सोडियम आयन यानी Na+ और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन Cl- होते हैं बहुपरमाणुक आयन एक बहुपरमाणुक आयन आवेशित परमाणुओं का समूह होता है उदाहरण नाइट्रेट आयन रासायनिक सूत्र लिखना किसी यौगिक के संघटकों के सांकेतिक निरूपण को उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है संयोजकता यह दर्शाती है कि एक तत्व के परमाणु रासायनिक यौगिक के निर्माण हेतु किसी अन्य तत्व के परमाणु से किस प्रकार जुड़ेंगे कुछ सरल और बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकता तालिका में दी गई हैं रासायनिक सूत्र लिखना रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें जिन नियमों का पालन करना होता है वो नीचे वर्णित हैं आयन की संयोजकता संतुलित होनी चाहिए जब किसी यौगिक में धातु व अधातु विद्यमान होते हैं तो धातु का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है उदाहरण आयरन सल्फाइड यहां सल्फर अधातु है और इसे बाद में दाई ओर लिखा गया है वहीं आयरन या लोहा धातु है जिसे पहले यानी बाई ओर लिखा गया है बहुपरमाणुक आयन के यौगिकों के लिए सूत्र लिखने के दौरान अनुपात दर्शाने वाले अंकों को लिखने से पहले हम आयन को कोष्ठक में रखते हैं सरल यौगिकों के सूत्र दुई अंगी यौगिक दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को दुई अंगी यौगिक कहते हैं जब हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो हम उसके संगठकों और उसकी संयोजकता लिखते हैं उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCL4, फोर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री द्रव्यमान तथा मूल अवधारणा आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एएमयू द्वारा व्यक्त किया जाता है उदाहरण एच का आणविक द्रव्यमान बराबर एच का आणविक द्रव्यमान जमा एन जमा तीन का आणविक द्रव्यमान गुणे ओ का आणविक द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है उदाहरण NACL का सूत्र इकाई इसके सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है एक गुणे तेईस जमा एक गुणे पैतीस दशमलव पांच बराबर अठावन दशमलव पांच एएमयू आवोगात्रो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में कणों परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 दशमलव शून्य दो दो गुणे दस पर घात तेईस के बराबर होता है यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है इसे आवोगात्रो संख्या कहते हैं इसे एन ओ से निरूपित करते हैं इसका नामकरण इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो के नाम पर किया गया है। क्या आप जानते हैं किसी यौगिक का अनुभविक सूत्र रासायनिक तत्वों का सरलतम अनुपात है जो कि उसे संगठित करता है उदाहरणार्थ पानी सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के दो बटे एक के अनुपात पर संयोजित होता है और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल सदैव कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के दो बटे छह बटे एक के अनुपात पर संयोजित होता है फिर भी यह अणु के पृथक प्रकार को मान्यता नहीं देता उदाहरणार्थ डिमिथाइल ईथर में इथेनॉल जैसा ही अनुपात होता है भिन्न भिन्न आयोजनों के एक ही जैसे परमाणुओं वाले अणु संभारी कहलाते हैं आणविक सूत्र परमाणुओं की सही सही संख्या प्रतिबिंबित करता है जो कि अणु को संयोजित करती है और इसीलिए अलग अलग अणुओं का चरित्र निर्धारण करती है फिर भी विभिन्न संभारी हालांकि भिन्न भिन्न अणु होते हैं किंतु परमाणु संयोजन समान होता है आनुभविक सूत्र प्रायः आणविक सूत्र की ही तरह होता है पर सदैव नहीं होता उदाहरणार्थ एसीटिलीन के अणु का आणविक सूत्र C2H2 है किंतु तत्वों का सरलतम अंक अनुपात CH है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं किसी यौगिक के संघटकों के सांकेतिक निरूपण को उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है जब किसी यौगिक में धातु व अधातु विद्यमान होते हैं तो धातु का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को दुईअंगी यौगिक कहते हैं किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है